हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, ये 20 नवंबर के बाद आज 11 दिसंबर को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद। तो ठीक है, बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं सुबह से छत पे आ गया हूँ, ये बैट को थोड़ा सा इस सैंड पेपर से थोड़ा सा घिसना है ताकि इसके ये जो थोड़ा थोड़ा सा लकड़ी का जो टुकड़ा निकल रहा है ये साफ़ हो जाए, मतलब एक सा हो जाए। तो अब बस थोड़ी मैं ये इसको घिसूँगा ताकि इसकी केयर भी हो जाए। और ये जो नीचे से आप इसका देख रहे हैं टो, ये जब दूसरों को खेलने के लिए दो जिन्हें ज़्यादा पता ना हो तब ये हाल होता है टो का, एक साइड से वो टूट ही गया टो, बस वहीं से थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो बैट अच्छा है। स्टिकर मैंने इसके हटा ही दिए थे। और इसके साथ हम लोग खेलने जाते हैं, वो व्लॉग भी मैं डालता हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। काफ़ी मस्त बैट है ये, SS कस्टम्स है, और ये 4,500-5,000 का आया था। अभी ये वाला बैट जब अपना ख़राब होगा तो हमने बस अभी दो और आए हैं, एक SS मास्टर है कश्मीर व्लो और एक ZX का भी है, वो भी कश्मीर है, ये एक इंग्लिश व्लो है। तो ये लोग बैट जब ख़राब हो जाएंगे तब अपन लेंगे नया बैट। अब देखते हैं मैं किस कंपनी का लेता हूँ, अभी तो कोई फाइनल या पक्का नहीं करा मैंने। वैसे मैं SG का ही लूँगा जहाँ तक लगता है, SG या A2 या SLV, बहुत सारे हैं, देख लेंगे कौन सा अपने बजट में मस्त हो वही ले लेंगे, अभी तो इसी से काम चल रहा है। बस अब उनको ग्लव्स लेने हैं, उसका जल्दी कोई व्यवस्था या इंतज़ाम करते हैं कौन से ग्लव्स लेने हैं, जब लेंगे तब आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है भाई, इसलिए कचा नहीं रहा हूँ, रोज कलेश भी हो रहा है इसी बात पे घर पे। और ये बिट्टू पढ़ रही है, इसकी छुट्टी कितनी तारीख तक है तेरी छुट्टी बोल? हाँ, 15 तक छुट्टी है इसकी, गाय दब के रहती है क्योंकि इसे कोचिंग जाना रहता है मेरे साथ। कब बिट्टू भाई, मेरी गड्डी वो खड़ी नीचे, मेरी गड्डी वो खड़ी। चलो गाइस, अब अपन चलते छत पे, भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद अपनी पूजा करें, उसके बाद खाएंगे चावल। अभी बज गए हैं 12, मैं देख रहा हूँ TV और ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, फ्राइड राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अब मैं जल्दी से इनको निपटा देता हूँ। गाइस, अभी हाल मैंने अपना गेम खेल लिया है, मैं बहुत देर से खेल रहा था क्योंकि हीरो की लगानी थी CS रैंक्ड गेम में, और मैंने लगा ली 3rd बार। और ये हमारा बिट्टोला चावल पेल के बैठा था। और अभी बच गए 3, मम्मी पापा गए नानी क्या, और मैंने अपने अपने बल्ले की घिसाई कर ली है सैंड पेपर से, वो एकदम चमक चुका है, उस मतलब थोड़ा गंदा सा हो गया था इसलिए मैंने उसको घिस दिया ताकि वो साफ़ हो जाए। और अभी बज रहे हैं 3:10, उल्टा दिख रहा होगा टाइम इसमें क्योंकि ये सेल्फी कैमरे से बना रहा हूँ मैं, 3:10 हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सो जाओ,
ताकि थोड़ा सा अच्छा। अरे ऐसा सोना नहीं है गाइस, अभी साइकिल सही कराने जाना है, कल से कॉलेज जाना। कॉलेज का क्या है गाइस सीन हम बताएं। देखो बैक कैमरे से बताएं, इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। गाइस आज संडे है इसलिए हम सोच रहे जाके अपनी साइकिल की सही करवा लें थोड़ी। उसकी क्या है दिक्कत है, उसमें हवा भरा, उसकी साली हवा ही निकल जाती। उसकी हवा सही करवा के, हवा पंचर बनवा के, मतलब उसको दोबारा सही कराएं। बनाओ। नहीं, दोबारा नहीं बनाएंगे, कॉमेडी का पता चलना चाहिए, कॉमेडी हो रही है तो उसकी अपन पंचर बनवा लेंगे ताकि उसकी हवा ना निकले। और अपन कल से साइकिल से जाएंगे, 11 किलोमीटर जाएंगे, 11 किलोमीटर आएंगे। जो सुबह अपन दौड़ने जाते थे गधों की तरह, वो नहीं करेंगे, साइकिल चल जाएगी, उतने ही में तो काम हो जाएगा, अपन एकदम फिट हो जाएंगे, बहुत तो स्ट्रांग मेरी बॉय हो पॉकेट जाएंगे। में स्कूटी आ उसके बाद क्या करें। जाएगी। ठीक है गाइस, 11 जाएंगे, 11 आएंगे, हो गए 22 किलोमीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पापा के साथ हम जाते तो हमारी पूरी क्लास है तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब तक हम वहाँ पहुँचते 10:30 बजे। इसलिए हम अपने साइकिल से जाएंगे सुबह दौड़, जो हम दौड़ने जाके एक्सरसाइज करते वो हमारी साइकिलिंग में हो जाएगी, ज़्यादा सही रहेगा, पैर भी मजबूत रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो फिटनेस पे ध्यान देते होगे, समझ ही रहे होगे। तो इसीलिए अभी देखो थोड़ा पापा आ जाए, फिर हम जा रहे हैं उस साइकिल की सही कराने। उसके बाद कल से उसी से जाएंगे, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाते हम लेट हो जाते हैं। फिर अपनी जब ओला आ जाएगी तब अपन ओला से जाएंगे, ओला नहीं लेंगे, ओला ही लेंगे, ओला नहीं लेंगे, ओला ही लेंगे, हम ओला उसमें नहीं लेंगे। गाने सुनते हुए जाएंगे। तो चलाएगा तो मैं चलाऊंगी, तो मैं तो अबे मतलब तुम्हें साइकिल चलाना तो आई नहीं आता, ओला तो जाओगी। चलो गाइस, गाइस तो मम्मी आ गई नानी के यहाँ से, और देखो नीचे ये छपरे की वजह से कुछ दिखाई तक नहीं देता कि नीचे कौन आ गया कौन जा गया। वेरी बैड प्लेसमेंट ऑफ दिस छपरा, कि ये जो लेंटर है ये आगे तक होना था, इस तक दीवार तक फिर सही रहता, कबट बहुत जगह हो जाती इस छपरे की वजह से। मम्मी नहीं देख रही जी गाइस, फिर रही टी शर्ट पहने ठंड में, अभी लग जाएगी ठंड से मुझे मेरे बाबू मरती फिरेंगी एक तरफ, डॉक्टर के तजाने फलाने के तजाने। देखो मम्मी आ गई कैसे आ रही देख रही। गाइस तो डिनर में मैंने मूली प्याज के पराठे और ये रही टमाटर की चटनी, और क्या दे रही मम्मी? नहीं, मूली की नहीं, भाजी नहीं चाहिए। और ये बेटा पढ़ रहा है और ये पापा मैं देख रहे हैं। 2-0 और आ जाएंगे तो रात के 10:30 अब मैं करूँगा इस ब्लॉग को एंड। आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये पढ़ रही है। Close till I get up. Time is barely on our side.